अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एक 100 केजी का वेट, एक 100 केजी वेट फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में। मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई 100 केजी का फोर्स है, कोई 100 केजी का फोर्स है आपके पास ये, ठीक है, 100 केजी वेट का कोई फोर्स है। तो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट है पी और एक पार्ट आपके पास मान लीजिए कि आपके पास है क्यू, दो कंपोनेंट्स में इसे ब्रेक कर दिया। गिवन है आपके पास कि एक के साथ ही एंगल 45 बना रहे, दूसरे के साथ एंगल अल्फा बना रहे, तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया और ये अल्फा एंगल हो गया। इफ द लेटर कंपोनेंट्स, लेटर का मतलब अगर पी और क्यू है तो बाद वाला कंपोनेंट, लेटर कंपोनेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 केजी वेट। सो जो क्यू है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100 केजी वेट दिया हुआ है आपके पास। डिटरमाइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी का मैग्नीट्यूड। सो हम फॉर्मूले से चलेंगे, फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं कि पी किसके इक्वल होगा, आर टाइम्स साइन अल्फा अपॉन साइन 45 प्लस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है, साइन 45 प्लस अल्फा। और क्यू किसके इक्वल होगा, आर टाइम्स साइन 45, साइन 45 अपॉन साइन 45 प्लस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहां से हम क्यू की वैल्यू भी गिवन है हमें 100 के इक्वल है, तो 100 इक्वल टू आर टाइम्स साइन 45 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और आर की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 100 गिवन है, डिवाइडेड बाय साइन 45 प्लस अल्फा, साइन 45 प्लस अल्फा। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, इसे सॉल्व करने के बाद 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास बचेगा साइन 45 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। सो अल्फा की किस वैल्यू के लिए, मतलब कि आपको ये बताने की अल्फा की किस वैल्यू के लिए पूरा एंगल आपको 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आंसर देगा। सो हमें पता है कि अगर अल्फा 0 होगा तो इस केस में आपके पास क्या बचेगा, साइन 45, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। अगर अल्फा आपके पास 90 के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा, साइन 135, तो उसकी वैल्यू भी आपके पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होगी। सो यहां से पॉसिबल वैल्यूज अल्फा की क्या आ रही है, 0 या फिर 90 डिग्री। बट अल्फा तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया वो तो रिजल्टेंट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा 90 डिग्री है, ठीक है, और तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब पी फोर्स के लिए हमारे पास क्या था, आर साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा, राइट। सो ये बनेगा पी इक्वल टू आर की वैल्यू 100, अल्फा की वैल्यू साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा की वैल्यू 45 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस 45, तो ये बनेगा आपके पास 100 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 135, साइन 135 का मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, दैट इज 100 स्क्वायर रूट 2 केजी वेट का फोर्स आपके पास पी के अलोंग लगेगा, इसमें ओपी के अलोंग। ये जो पी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100 स्क्वायर रूट 2, और जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। हमने बेसिकली इससे क्या किया कि जो ये गिवन फोर्स था उसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन कर लिए, पी और क्यू। क्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें अल्फा की वैल्यू निकल गई, अब अल्फा की वैल्यू हमने पी में पुट कर दी, तो आपके पास पी का मैग्नीट्यूड निकल गया,